गाइस वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। अब मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस का डिफरेंस बताया था। हार्डनेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, हार्डनेबिलिटी क्या होता है, हार्डनेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं वो बताया था। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्डनेबिलिटी का एक टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट क्या होता है। जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट का सबसे बेसिक फंडा ये है कि स्टील को लो, उसको गर्म करो, उसको ठंडा करो और फिर उसका हार्डनेस मेजर करो। सिंपल, ठीक है। कंसेप्ट समझने के लिए ये इतने रूल्स बहुत है। पहले स्पेसिमन लो, स्पेसिमन को उसको उसके ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर, मैं बाद में बताऊंगा वो क्या होता है, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक उसको गर्म करो, फिर उसको एक पानी के स्प्रे के ऊपर रखो और फिर उसका हार्डनेस मेजर करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सा डायग्राम है लेकिन फिर भी ये हमारा स्पेसिमन, ये हमारा वाटर स्प्रे, ठीक है, और ये हमारा हैंडल, ऊपर से उसको पकड़ना होता है वरना गर्म स्पेसिमन हाथ में पकड़ने नहीं होगा क्योंकि ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टील का। हर स्टील का ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर अलग होता है, तो उसके ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक उसको हम लोग को गर्म करना होता है, ठीक है, और फिर उसको एक पानी के स्प्रे के ऊपर रखना होता है, करेक्ट। तो ये है हमारा स्पेसिफिकेशन कि हम लोग को वो स्पेसिमेन जो है वो कैसे रखना है और कितने साइज का रखना है और वाटर स्प्रे वाटर का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी स्पेसिमेन उठा के जैसे हाँ एक ब्लॉक मिला, सिलेंडर मिला, चलो इसको गर्म करते और उसको पानी के ऊपर रखते, वैसे होता है तो क्वेंच नहीं होता वो बराबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। इसका जो ऊपर का पार्ट है, मैं इसका 3D डायग्राम भी आपके सामने रखता हूँ। इसका जो ऊपर का पार्ट है ये, इसका डायमीटर है 29 mm, ठीक है। अब इधर पे जो हम लोग ने इसको सपोर्ट दिया है वो सपोर्ट पूरा नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट उसके कॉलर के नीचे आता है, करेक्ट, और उसके नीचे जो है ऐसा एक एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल है 45 degree का एंगल, ठीक है, इतना पार्ट सिर्फ उसको सपोर्ट करता है और ये पूरा सर्कल में होता है, ठीक है। एक पूरा बैंड होता है जिसमें एक होल होता है और जिसमें हम लोग स्पेसिमेन रखते हैं, करेक्ट। तो अभी इसका डायमीटर, इसके स्पेसिमेन के बीच वाला डायमीटर है 26.2 mm। इसका जो लेंथ सॉरी ब्रेथ है, विथ है इसका, वो होगा 12.7 mm। कॉलर का विथ है हमारा 3.2 mm, ठीक है। अब हमारा कॉलर के एंड से लेके पूरा लेंथ है 102 mm का, ठीक है। ये मेजरमेंट्स हम लोग को बना के ही रखने हैं ताकि हम लोग को बराबर रीडिंग्स आ सके, ठीक है। इसके सेंटर से लेके हम लोग का जो ऑरिफाइस है उसके एंड पे उसका डिस्टेंस है 64 mm, ठीक है। ऑरिफाइस और इसके बीच का एंड होगा 13 mm और ऑरिफाइस का जो डायमीटर है वो होगा 12.7 mm, ठीक है। अब जो हमारा पानी हम लोग उसके ऊपर स्प्रे करेंगे उसमें होगा 24 + 2.8 degree Celsius प्लस माइनस, ऊपर नीचे चलता है उतना, और फारेनहाइट में 75 + -5 degree, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था पहले उसको गर्म करते फिर उसको नीचे स्प्रे करते, करेक्ट। ये वाला पॉइंट में मैंने यहाँ पे भी बताया, स्टील इज फर्स्ट हीटेड टू प्रॉपर ऑस्टेनेटिंग टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द स्टील। अब वो स्टील पर डिपेंड करता है उसका ऑस्टेनेटिंग टेम्परेचर कितना होगा, करेक्ट। तो इसके बाद रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इज यूज फर्स्ट ऑफ, जब भी उसको हम लोग ठंडा कर ले रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूज करते हैं हम लोग उसको ताकि उसका हार्डनेस हम लोग मेजर कर सके, ओके। हार्डनेस इज मेजर्ड फ्रॉम क्वेंच्ड एंड एट 1/16 inches इंटरवल। क्वेंच्ड एंड क्या होता है, क्वेंच्ड एंड हमारा ये एंड होता है, ठीक है। एक बार उसको गर्म करते फिर हम लोग उसको स्प्रे करते फिर उसको ग्राइंड करते और इसका जो पॉलिश करते इसके एंड को ताकि हार्डनेस बराबर मेजर हो सके, ठीक है। फिर हार्डनेस डिक्रीजेस फ्रॉम क्वेंच्ड एंड टू कॉलर एंड, मतलब अब यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, कूलिंग टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस पे यहाँ से हार्डनेस कम होता जाता है ऊपर तक, ठीक है।
तो यही बोला है यहाँ पे, और ये है उसका ग्राफ। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं हार्डनेस उसका कैलकुलेट करके प्लस उसका डिस्टेंस फ्रॉम क्वेंच एंड, ये इंचेस में है ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम क्वेंच्ड एंड मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जब हम लोग जाते हैं तो उसका हार्डनेस कम होता जाता है ठीक है। तो ये था हमारा जॉमनी एंड क्वेंच टेस्ट गाइस, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।